हाँ तो भाई यार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई है, आपने वीडियो भी देखी होगी, बट यार काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि व्हाट्सएप ने जो अपनी नई पॉलिसी निकाली है उसमें क्या है, जिससे तहलका मचा पड़ा है। तो यार इस वीडियो में आप सब जान जाएंगे, यानी कि पूरी डिटेल में जान जाएंगे कि व्हाट्सएप हम जैसे लोगों के, यानी कि जो हम जैसे यूज़र्स हैं, उनके डेटा को किस तरह यूज़ कर सकता है और किस वजह से ये तहलका मचा पड़ा है। तो बिना देरी करते हुए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब किया, क्योंकि यहाँ आपको जेन्युइन कंटेंट मिलते रहेंगे। हाँ तो गाइस इस वीडियो में यार क्या है मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में आप पूरी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में जान जाएंगे, व्हाट्सएप ने जो निकाली है और क्या व्हाट्सएप और व्हाट्सएप गलत है ये भी आप जान जाएंगे। तो यार असल में व्हाट्सएप ने कुछ दिन पहले ही एक पॉलिसी लेकर आया है जो सबके फ़ोनों पे पॉपअप विंडो हो रही है, यानी कि सबके फ़ोन पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो हो रही है जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं कि आप इस पॉलिसी से एग्री हो या डिसएग्री। बट यार अगर आप डिसएग्री कर दोगे तो आपका अकाउंट 8 फरवरी तक बैन हो सकता है, यानी कि बैन हो जाएगा और चलेगा नहीं आपका अकाउंट। और अगर आप एग्री कर देते हैं तो आप उसकी पॉलिसी से एग्री हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोग बिना देखे एग्री कर देते हैं और उसकी जो पॉलिसी को पढ़ते नहीं हैं। बट यार इस पॉलिसी में ये आया है कि व्हाट्सएप आपके जो पर्सनल डेटा है, लोकेशन, सर्विसेज, चैट्स और जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह और भी जितनी चीज़ें, उसको व्हाट्सएप अपने सिस्टम, यानी कि व्हाट्सएप का जो सिस्टम है वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है व्हाट्सएप। और यार यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन व्हाट्सएप ने बहुत ज़्यादा रखा गया है, यानी कि व्हाट्सएप जो आपका पर्सनल डेटा है व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकता है। तो यार इससे जो आपका पर्सनल डेटा है, चैट्स वगैरह या ट्रांजैक्शन वगैरह या लोकेशन सर्विसेज जितनी भी चीज़ें, उन वो सेफ नहीं है। व्हाट्सएप अगर यार किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा तो यार आप फंस भी सकते हैं। तो यार ये इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी है जो व्हाट्सएप लेकर आया है। तो यार इस वजह से व्हाट्सएप का अगेंस्ट सारे लोग चल रहे हैं, और जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है यानी कि CAIT, उन्होंने यार ये बयान किया है कि व्हाट्सएप को जल्दी से जल्दी बैन किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये ऐलान किया है उन्होंने। तो होप करते हैं अगर व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी वापस ले लेता है या इसमें नए इशू आए हैं पॉलिसी में, इसको वापस ले लेता है, इसको ठीक कर देता है, कोई हमारा डेटा पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर, यानी कि जो हमारा पर्सनल डेटा है वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करता और इसको एकदम फिक्स कर देता है, तो यार शायद से व्हाट्सएप बैन ना हो। नहीं तो यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट्सएप को भी बैन कर सकती है, क्योंकि यार हम जैसे, यानी कि जो इंडिया में जो यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के, वो पूरे 2 करोड़ है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड 1.5 अरब से भी ज़्यादा। तो अगर जैसे हम जैसे 2 करोड़ यूज़र्स का जो पर्सनल डाटा है उसको यार खतरा है, व्हाट्सएप किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा तो यार उसको खतरा है, और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी व्हाट्सएप शेयर करेगा, तो यार हम जैसे लोगों के लिए पर्सनल डाटा जो है हमारा, लोकेशन सर्विसेज, ट्रांजेक्शन और ख़ास करके जो बिजनेस मैन है उनकी ट्रांजेक्शन वगैरह, लोकेशन सर्विसेज, इन सब का यार बहुत ही ज़्यादा खतरा है। तो होप करता हूँ कि आप भी व्हाट्सएप के अगेंस्ट होंगे अगर व्हाट्सएप ये प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले लेता है तो, बहुत ही अच्छा रहेगा। और यार आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जेन्युइन कंटेंट ही मिलेंगे।